लोकसभा चुनावों को लेकर आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया धार पहुंचे थे। तय कार्यक्रम के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया को इंदौर से पीथमपुर शाम 7 बजे पहुंचना था और वहां से रोड शो करते हुए घाटा विलोद लेवड़ गुणावत होते हुए धार में रोड शो करना था और धार में सभा को संबोधित करना था, पर सूत्रों की माने तो चुनावी व्यस्तता और समय अभाव के कारण पीथमपुर से धार का रोड शो निरस्त करना पड़ा और सिंधिया इंदौर से पीथमपुर नहीं जाते हुए सीधे धार पहुंचे और यहां लगभग 15 मिनट सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर कटाक्ष भी किए। ज्योतिरादित्य ने मंच से कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने में धार की जनता ने जो महत्वपूर्ण भूमिका विधानसभा में निभाई है वह लोकसभा चुनाव में भी निभाएगी, क्योंकि सरकार बनने में सबसे बड़ी भूमिका धार जिले की ही रहती है। 15 साल प्रदेश में शिवराज सरकार और 5 साल के अंदर मोदी सरकार को सबसे बड़ी ढोंगी सरकार बताया। साथ ही शिवराज की मामा जी से और नरेंद्र मोदी की नाना जी से तुलना करते हुए कहा कि इस बार इनका बोरिया बिस्तर बांध कर इन्हें बाहर का रास्ता दिखाना है। साथ ही भाजपा पर जमकर आरोप भी लगाए। ये हमारे इस ऐतिहासिक धार में इस माटी को नमन करने का मौका मुझे मिला है। आने में थोड़ा मुझे विलंब हो गया, सुबह दिल्ली से मैं निकला हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे करते हुए नेपाल के बॉर्डर तेरई के पास कुशीनगर और गोरखपुर में आखिरी सभा करके मैं इंदौर पहुंचा हूं और इंदौर से ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है मेरे भाई और बहनों। यह केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि आप धार का भविष्य का निर्णय करने जा रहे हो। यह इसलिए महत्वपूर्ण केवल नहीं कि इस निर्णय से मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण भी होगा, लेकिन ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि धार ने, इस समूचे अंचल ने सदैव सत्य का रास्ता पकड़ा है और इस बार इस देश में एक नव निर्माण की ज्वालामुखी धार से उठनी चाहिए, पूरे मध्य प्रदेश से उठनी चाहिए। 5 साल हो गए सरकार को केंद्र में, 15 साल इस प्रदेश में। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं आप लोगों को कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बनने में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका धार जिले की रही। तो इस बात का यह प्रमाण है कि जब बदलाव का समय आता है तो उस बदलाव के आगाज में धार सदैव प्रथम पंक्ति में रही है, आज भी है और सदैव रहेगी। 15 साल यहां शिवराज जी की सरकार, 5 साल वहां मोदी जी की सरकार, और इन दोनों ने मिलकर एक तरफ शिवराज जी, दूसरे तरफ मोदी जी, और दोनों के दोनों सबसे बड़े ढोंगी जी कहते हैं कुछ करते हैं कुछ। कहा था अच्छे दिन आएंगे, अरे मोबाइल नीचे करना, यो 2 करोड़ रोजगार के अवसर उत्पन्न करवाएंगे हर साल, 10 करोड़ 5 साल में। किसानों के लिए कहा था लागत का दाम आधा होगा, समर्थन मूल्य दुगना होगा। 5 साल में केंद्र में
प्रदेश के किसान ने आत्महत्या किया है। भाई कैमरा पीछे कर ले यार थोड़ा साइड में। अपने अन्नदाताओं के हड्डियों को लेकर संसद के बाहर धरना दिया है। एक मंत्री, एक संतरी, एक तंत्री उपस्थित नहीं किसान की गुहार सुनने के लिए। और मध्य प्रदेश की तो हम बात ही न करें। इस मध्य प्रदेश की मेरी मालवा की माटी में जो इस भाजपा की सरकार ने मेरे अन्नदाताओं के लहू को इस माटी के साथ मिलाया था, उसी दिन 6 जून 2017 को सिंधिया परिवार के मुखिया ने एक प्रण लिया था कि जब तक इन भाजपाइयों की बोरी बिस्तर बांध के मैं न भेजू तब तक फूल की माला में नहीं पहनूंगा। और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं इस धार की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को, कि जिस सरकार ने आपके साथ अन्याय किया, अवहेलना की, मामा जी की तो गोली बिस्तर मान के आप लोगों ने अब इस बार है यहाँ है मामा जी, वहाँ है मोदी जी, यहाँ है मामा जी, वहाँ है नाना जी। अब इस बार नाना जी की बोरी बिस्तर बांध के भेजना है। कांग्रेस की सरकार बनी है। राहुल गांधी जी ने कहा था जब उस मंदसौर के गोलीकांड के बरसी पर मैं उनको लेके आया था मंदसौर, हमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो एक एक किसान का ऋण माफ होगा। अरे मोबाइल लोग, और कांग्रेस जो कहती है वो कांग्रेस करके दिखाती है। हमारा नारा है जान जाए पर वचन ना जाए। भाजपा का नारा है वचन जाए पर जान न जाए। भाजपाइयों ने सदैव कहा है कि भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ, और चुनाव जीतने के बाद भाजपा की सरकार सदैव कहती है कि भाजपा अपने आप ही जीते जा, काहे करे किसान का कर्जा माफ। हमने कहा था किसानों का कर्जा हम माफ करके देंगे और सरकार बनते ही 2 के अंदर कैबिनेट ने निर्णय लिया कि हर किसान जिसने 2 रुपया का ऋण लिया हो सरकारी बैंक से या सहकारिता बैंक से, हर किसान का कर्जा हम माफ करके दिलवाएंगे। 40,000 करोड़ शांत हो जाओ, यहां बैठ जाओ, बैठवा बैठ। 40,000 करोड़ रुपया 55,00,000 किसानों का कर्जा माफ करने का निर्णय कांग्रेस की सरकार ने लिया। तालियां थोड़ी कम बजी, पीछे लाठ झड़ना। अरे तुमसे ही बात कर रहा हूं, अरे कह रहे मैं बताता हूं तालियां कम क्यों बजी। जब हमने ये घोषणा की ये कैबिनेट का निर्णय है, भाजपा के नेता और कार्यकर्ता चुप, क्यों? क्योंकि जो उन्होंने 15 में नहीं करके दिखाया वो हमने 2 में करके दिखाया। सही है कि नहीं? सही सही। तालियां बजाओ। अरे ये धार की तालियां थोड़ी है, तालियां बजाओ।
जब आचार संहिता लगी तो सारे के सारे भाजपा के नेता बरसाती मेढक की तरह गुटर 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 करके निकले सड़क। सही है कि नहीं? सही है। बजाओ ताली। अरे जब से और जब निकलते हैं ये भाजपा के कार्यकर्ता, ये आमने सामने नहीं बात करते। विधानसभा चुनाव के समय में मैंने शिवराज सिंह जी से खुला मैंने चुनौती दी थी कि विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर आइए, आप तय करिए स्थान, आप तय करिए जगह, ज्योतिरादित्य सिंधिया हाजिर होगा आपके साथ परिचर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश के भविष्य के बारे में। बोले ना बाबा ना। तो भाजपा के कार्यकर्ता कभी भी सामने आके बात नहीं करेंगे। क्या करेंगे? काम में खुशर खुशर। सही है कि नहीं? जाओ ताली। कान में खुशर खुशर। तस्वीर रखिए, तस्वीर रखिए, कान में घुसुर घुसुर। क्या कहेंगे? चौपाल पर गांव में, शहर में मंदिर के पास, मस्जिद के पास, गुरुद्वारा के पास एक एक व्यक्ति को पकड़ के कान में कहेंगे सही है कि नहीं? अब मुझे हो गए 17 साल इनका सामना करते हुए, तो मैं भी सीख गया हूं। भाजपा को जवाब उनकी ही शैली में देना होगा। अगले बार आपके चौपाल पर आएंगे कल, और ये मेरा संदेश गांव गांव तक, आप राजा, आप पांचीलाल जी, आप बाल मुकुंद जी, आप एक एक व्यक्ति भेजना, अगले बार चौपाल पे आए और कान में कहे उनके कान में कह देना एक नंबर के झूठे, नौटर की बात, अपने आप तो कुछ ना करे, दूसरे भी कुछ करे तो उस पर भी पानी फेरने का कार्य करे। मेरी अपनी शैली जहां किसान आज पताड़े, देखो परिवर्तन 3 महीने हुए हैं, आपने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, सरकार को पलट दी। आज भी भाजपा के पेट में मैं नहीं पच रहा, आज भी कह रहे हैं हम कांग्रेस की सरकार को तोड़ेंगे, प्रजातंत्र की हत्या करने में ये एक नंबर होते हैं। पर मैं भाजपाइयों को कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में जनता ने बनाई है, बनती रहेगी और पूरे 5 साल सरकार ना चलेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने।
अपने आप तो कुछ ना करें। 3 महीने हुए सरकार बदली और भगवान का भी आशीर्वाद देखो क्या बंपर फसल हुई है। और जो ट्रैक्टर ट्रॉली की लाइन लगती थी मंडियों में 15-15 दिन किसान को इंतजार करना पड़ता था, आज 2 दिन में तुलाई होती है और 48 घंटे में आपके खाते में नगद राशि पहुंचाती है सरकार। गेहूं का दाम जो 1500 रुपया होता था आज 2000 रुपया प्रति क्विंटल, 160 रुपया। जो मोदी जी ने आपका बोनस लॉक कर दिया था ना, वो तिजोरी की चाबी हमने खोल दी और आपको 160 रुपया बोनस दिया। लसन क्या दाम मिलता था लसन का, 300, 400, 500, और आज कितना मिलता है? मकैया पे 200 रुपया क्विंटल बोनस। हम जानते हैं कि अगर किसान खुशहाल तो मेरा देश खुशहाल, ना किसान के लिए कुछ कर पाए। नौजवान कहा था लाएंगे अब अवसरों का भंडार, और लेके आए ये लोग पान और पकौड़े वाली सरकार। और मध्य प्रदेश में तो स्थापित कर दिया कि मध्य प्रदेश में इनकी सरकार में बाबा लोग मंत्री बने और युवा पकौड़े बने। IIT के इंजीनियर्स को ये कहते हैं कि पकौड़े वाली दुकान खोलो, कैसे भविष्य बनेगा हमारे देश का, जो एक असहिष्णुता का वातावरण पूरे देश में निर्मित किया है, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार। तो आज आपके सामने दिनेश खड़ा है, इसको आप अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करो। आपके ही माटी का सपूत है, आपके ही घर का है, और सिंधिया परिवार का मुखिया यहां खड़े होकर आपको कह रहा है कि अगर इसको आपने आशीर्वाद दिया तो जैसे मेरे पूज्य पिताजी ने मक्सी गोदरा लाइन धार को दिलवाया था, उस लाइन को केवल पूरा करना नहीं, राजीव गांधी ग्रामीण विकास योजना जो मैंने दिलवाया केवल वो नहीं, लेकिन धार की प्रगति और विकास में ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूरी योगदान रहेगी। दो लाइनों से मैं अंत करना चाहता हूं, दो लाइनों से, कि आदमियों का जिद हो, आदमियों की जिद हो, जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों का जिद हो जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वही आशियां बनाने की। जब असूलों पर आ जाए, जब असूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो मेरी धार की जनता तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद। आप उठा कर आश्वासन मिले लो। धन्यवाद। जय हिंद।